जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, शनिवार 20 अप्रैल, सैटरडे 20 अप्रैल 2019, 10:46 AM, 10:46 हुए हैं अभी दिन के, और 20 अप्रैल 2019 का दिन है। तो चलिए कुछ चर्चा करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी आप लोग को पसंद है उस पे, और मेरी ट्रेनिंग वेन्यूज़ की भी चर्चा करेंगे, और कुछ वीडियोस मैंने कल के भी अपलोड किए जो गुड फ्राइडे की ट्रेनिंग थी मेरी मुंबई में, स्पेशल बर्थडे ट्रेनिंग, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था 17 अप्रैल, महावीर जयंती के दिन, उसके लिए मैंने कल एक ट्रेनिंग रखी थी मुंबई में, जहाँ फीस भी 17,000 किया था उसके लिए स्पेशल, और एक लॉटरी भी किया था, उसमें एक मैडम ने लॉटरी भी जीती, उसमें पूरी फीस उनको रिफंड भी मिली। आ जाइए और ट्रेनिंग के वीडियोस आप जरूर देखिएगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि प्रमोद जैन क्या कर सकता है। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी रिसर्च कुछ इस तरह की है कि शायद इंसान सोच नहीं सकता, वो चीज़ मैं करके दिखाता हूँ स्टॉक मार्केट फील्ड में, ठीक है। जैसे मैंने इंट्राडे में रोज कमाने का एक तरीका सिखाया, अपनी रिसर्च से सारे इंडिकेटर्स को मॉडिफाई करके उसमें इतनी अच्छी टेक्निक निकाल दी कि आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि अब यहाँ से 2-3 रुपये तो कंफर्म बढ़ेगा, या 3-4 रुपये यहाँ से कंफर्म गिरेगा। कंफर्म वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कोई यूज़ नहीं कर सकता। एनीवे, छोड़िए, अभी आ जाते हैं चार्ट वार्ट पे, क्या हो रहा है क्या नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, आने वाले दिनों की ट्रेनिंग्स क्या है। ये देखिए, अभी 2 घंटे पहले पोस्ट डाला, आप लोग देख लीजिए। अपकमिंग ट्रेनिंग्स सूरत में 28 अप्रैल, मुंबई में 4 मई, सूरत में 28 अप्रैल यानी कि संडे को, 4 मई सैटरडे, दिल्ली 11 मई सैटरडे, हैदराबाद 2 जून मैं रहूँगा, और हैदराबाद में अब रोज़ ट्रेनिंग होती है, एवरीडे ट्रेनिंग होती है, वहाँ किरण देखता है, किरण सूरा पानिनी, वो लगभग मेरी तरह ही सिखाता है, और हो सकता है तो मुझसे भी अच्छा सिखाने लग गया है। तो वहाँ उससे अगर आपको डेली कोई भी दिन आपको फ्री टाइम मिले तो आप उससे सीख सकते हो। 18,000 आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर है 9703570,000, सिंपल 9703570,000 किरण का नंबर है। तो आप किसी दिन भी हैदराबाद में फ्री रहो, उससे सीख सकते हो, एवरीडे वहाँ पे ऑफिस में ट्रेनिंग देगा। और मैं 2 जून को एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा, मैं अब हैदराबाद खाली डेढ़ महीने में एक बार जाऊँगा, बाकी किरण देखेगा। तो ये हैदराबाद 2 जून, मुंबई 25 मई इसमें नहीं आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, 25 मई वाला इसमें भूल से इंक्लूड हो गया। तो ये 25,000 की सारी फीस है इनमें, और 25 मई वाली में जो वंस इन 3 मंथ्स उसमें 15,000, और 24 अगस्त को वंस इन 6 मंथ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वो 5,000। सेम सभी ट्रेनिंग सेम रहेगी, सभी में सेम चीज़ सिखाई जाएगी, चाहे वो 5,000 वाली हो चाहे 15,000 वाली हो, लेकिन बस जो 5,000 वाली ट्रेनिंग लेंगे उसको मैं फेसबुक वाली ग्रुप में ज़रूर ऐड नहीं करूँगा। अगर उनको ऐड होना तो उनको एक्स्ट्रा 5,000 देना पड़ेगा इसके अलावा, तब वो ऐड हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप में इमीडिएटली ये नंबर दे दिया मैंने, तो ये हुआ काम ख़त्म। चलिए अब आ जाइए निफ्टी, ये थर्सडे को क्या हुआ, क्योंकि फ्राइडे तो कल तो मार्केट बंद था, वेडनेसडे को महावीर जयंती की बंद थी, तो ये 3 दिन की वीक थी। तो मार्केट खुला ओपनिंग हाई 856, जो कि हाई है, ओपनिंग हाई है, उस दिन ओपनिंग भी वही थी और हाई भी वही था, 856.15, लो बनाया 738, और क्लोज़ किया 752, और जो 16 तारीख को क्लोजिंग थी यानी कि मंगलवार को, क्योंकि बुधवार को बंद था, तो वो थी 787। तो फ्राइडे को आप देखिए नीचे क्लोज़ किया, उसके कैंडल बड़ी बनी है लेकिन रेड कैंडल हो गई है, ठीक है,
रेड हो गई क्योंकि नीचे क्लोज हुआ, और ये एक वीकनेस का साइन है कि हाई तो नया बनाया लेकिन क्लोज जो मंगलवार को क्लोजिंग थी 787 उसके नीचे किया, वरना इसको ऊपर क्लोज करने से बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता था। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जैसे RSI में आप लोगों ने डाइवर्जेंस देखा होगा, डाइवर्जेंस अगर जो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत भी जानते हैं जो या मेरी क्लास लिए हुए उनको पता है डाइवर्जेंस क्या होता है। तो देखिए नियम क्या है कि जैसे निफ्टी या स्टॉक की प्राइस नीचे आती है RSI लाइन भी नीचे आती है, उसकी स्ट्रेंथ भी नीचे आती है। जैसे ये ऊपर जाता है कैंडल्स प्राइस ऊपर जाती है तो RSI लाइन भी ऊपर जाती है। तो यहाँ अब आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ नीचे आया तो RSI भी नीचे आया यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर गया तो RSI भी ऊपर गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों यहाँ से यहाँ नीचे आया निफ्टी, यहाँ से यहाँ तक आया तो नीचे आया RSI भी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो निफ्टी ऊपर जा रही है RSI। देखिए मैं दिखाता हूँ दूसरे चार्ट में, आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको देखिए क्लियर कट नेगेटिव डाइवर्जेंस मैंने खेल गया। देखिए निफ्टी की लाइन देखिए ऊपर जा रही है, इस लाइन से मैं इस लाइन को टच करूँ तो ऊपर जा रही है ना, प्राइस लाइन ऊपर जा रही है, और RSI की लाइन देखिए आप ये नीचे जा रही है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तक तो ठीक था, देखिए यहाँ पे ये भी नीचे, यहाँ प्राइस भी नीचे आई तो यहाँ पे भी नीचे आया, यहाँ प्राइस भी ऊपर गई तो RSI लाइन भी ऊपर की तरफ गई। लेकिन यहाँ प्राइस आप देखिए प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन RSI लाइन नीचे की तरफ जा रही है। देखिए डाइवर्जेंस, इस स्टॉप से मैं स्टॉप को लेता हूँ, तो ये एक तरह से डाइवर्जेंस का साइन दे रहा है और अच्छा करेक्शन भी आ सकता है, आएगा ही नहीं बोल रहा हूँ बट आ सकता है। मैं तो मेरा दिल तो बोलता है 100% आएगा ही, ये मेरी पर्सनल बात है, ठीक है। तो एनीवे ये एक कारण है, दूसरा कितना आएगा वो भी बताऊंगा। दूसरा ये वीकली चार्ट है निफ्टी का वीकली, तो उसमें मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, देखिए इस पॉइंट को टच किया, इस हाई को टच किया और इस हाई को टच किया, तो ये ट्रेंड लाइन बता रही है और ये ऑटोमेटिकली टच हो गया। देखिए ये जो इस वीकली क्लोजिंग हुई है, इस बार की वीकली हाई बना था जो 856, तो ये बता रही है कि ये 900 के ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है इसके लिए, 900 के ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज आएगा, 900 के ऊपर जाएगा 11900 के। तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस 900 ही है इसका, क्योंकि देखिए इस हाई को टच किया मैंने और इस हाई को टच किया और ट्रेंड लाइन को आगे ले गया तो ऑटोमेटिकली कल वाला हाई भी टच हो गया, और ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट बनी। 910 का आप रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, और इस हाई को टच किया और इस हाई को टच किया तो अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा 10790 या 10, और ये सपोर्ट लाइन भी बनाया, इस लो को टच किया और इस लो को टच किया तो ये भी 10810, तो 10790 से लेकर 10810 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में, 10790 से 10820 वो टूटा तो फिर ये हाई को मैंने टच किया और ये हाई को टच किया तो ये बता रहा है 10380 फिर एक बड़ा सपोर्ट है, और फिर वो टूटा तो आप 10050 10100 के लेवल भी देख सकते हैं। ये मैंने जस्ट सिंपल ट्रेंड लाइन से आपको बता रहा, वीकली, ये वीकली चार्ट। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब कहाँ रहेगा, 910 पे, 910 पार करना बहुत मुश्किल रहेगा निफ्टी के लिए स्पॉट में, और नीचे की तरफ 790 से लेके 820 के बीच में एक सपोर्ट रहेगा 10790, यानी 1000 पॉइंट का करेक्शन अभी आराम से आ सकता है आने वाले दिनों में, 1000 पॉइंट का, और मेरा मन बोलता है कि यहाँ तक आएगा 10380 मिनिमम, यानी मैं 1300 से 1400 पॉइंट का करेक्शन मान रहा हूँ निफ्टी में, और वो भी मई तक, मुझे लग रहा है मई तक आ जाएगा, मई तक, मई महीने तक 1400 पॉइंट का करेक्शन आ जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन मैं कोई खुदा या भगवान नहीं हूँ, ये टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ। इसके बहुत सारे कारण, जैसे मैंने ये दिखाई दिया आपको, डाइवर्जेंस भी बताया, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस लाइन जो है डेली वाली, और आरएसए लाइन नीचे की तरफ स्लांटिंग है। आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए तो पता चल जाएगा। ये मैंने दिखाने की कोशिश की आपको, तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, अगर इसमें स्ट्रेंथ होती तो ये जो कल नया हाई बनाया 856, तो ये 787 के ऊपर क्लोज देता, तो थोड़ा बहुत मान सकता था कि मैं काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन इसने क्लोजिंग भी मंगलवार की ब्रीच कर दी, क्लोजिंग बेसिस मंगलवार को 787 क्लोज किया था, लेकिन बुधवार को छुट्टी थी, थर्सडे को 700 कुछ क्लोज किया उसने, 750 कितना क्लोज किया, 53। तो यही सारे कारण है मुझे ऐसा लगता है। तो सावधानी रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर में मेरा मन तो ऐसा बोलता है कि 13-14% का भी करेक्शन आ सकता है, 13-14%। इसका कारण है, देखिए जब पिछली बार आप 2018 में जनवरी में देखिए, जब टॉप बना था 11,171 का, तो वहाँ से भी निफ्टी करेक्शन करते करते कहाँ आ गया था, 9951, लगभग 14% से ज़्यादा करेक्शन, 9951 आ गया था जनवरी 2018 में। निफ्टी ने हाई बनाया था 11,171, वहाँ से करेक्शन करके 9951 आ गया मार्च में आ गया, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आ गया, ठीक है। फिर अगस्त 2018 को फिर नया हाई बना 11,760 28 अगस्त को, वहाँ से 26 अक्टूबर तक निफ्टी 10,005 आ गया, 1,755 पॉइंट का करेक्शन आया, और अब नया हाई है 11,856 कल तक का, मतलब ये थर्सडे तक का। तो वहाँ से भी अगर 16-1700 पॉइंट गिरता है तो 10,200 आना बहुत पॉसिबल है, 10,200 आना बहुत पॉसिबल है। तो बस ये थोड़ी सी स्टडीज है जो मैं आपको समझाना चाहता था, और ट्रेनिंग की डिटेल्स आपको फिर से दिखाता हूँ। आपका दिल करे तो आइए, और दिल नहीं करे तो करिए ट्रेडिंग, मज़े करिए अपनी लाइफ में, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लाइफ तो मज़े करने के लिए ही आपने चुनी है, सीखना तो बाद में अपने को है ना, सीख के नहीं कमाना है, हारने के बाद सीखने आएंगे, क्यों जी। सो थैंक यू। अभी एक छोटा सा वीडियो, अगर टाइम मिला रात को तो एक मैं खुद अपना चेहरा दिखा के भी आऊँगा, तो टाइम कम है इसलिए ऐसे कर दिया। सो थैंक यू दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और कल मैं अपने बहुत ही क्यूट से फैन से भी मिला मुंबई में, फर्स्ट टाइम मैं मेरे दोस्त के घर गया कल मुंबई में, विकास के, तो उसकी बेटी मुझे देखते ही पहचान गई, यूट्यूब वाला अंकल, और सी वॉज माई ग्रेट फैन। मुझे पता नहीं था कि एक छोटी बच्ची भी मेरे फ़ैन हो सकती है, जो कि स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं। एनीवे थैंक यू।